दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम कुकॉइन के फ्यूचर ग्रीड मतलब ट्रेडिंग बॉट के जो सेकेंड ऑप्शन है फ्यूचर ग्रीड के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। बेसिकली कई सारे लोग फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं, चाहे वो बाइनेंस में हो, कुकॉइन पे हो, बाइबिट में हो, अलग अलग एक्सचेंजेस पे फ्यूचर ट्रेडिंग वो करते हैं। लेकिन कुकॉइन पे बॉट ट्रेडिंग पे भी आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको बार बार बाय सेल का जो ऑप्शन है इसे बार बार आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार आपको अपने बॉट को सेटअप कर देनी है। और जब आप इस बॉट को सेटअप कर देते हो, परमिशन देते हो, तो वो बोट सेल्फ यहां पर ट्रेड लेती है, जिसके थ्रू आप यहां पर प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कुकॉइन के फ्यूचर ग्रीड को आप किस तरह से यूज कर सकते हो और बेसिकली आप इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हो, क्या वो स्ट्रेटजी है जिसे आप यहां पर यूज कर सकते हो। लाइव में यहां पर ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, तो मेक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखें, किसी भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर जो मार्केट का अपडेट हो, जो भी सेंटिमेंट हो, वो मैं वहां पर अपडेट करता हूं। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पर कुकॉइन की एप्लीकेशन को ओपन की है, और यहाँ पर जब आप इसे ओपन करोगे, अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपके जो फी होंगे उसमें आपको डिस्काउंट रहेगी। अब यहाँ पर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, विदाउट KYC के भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। कई सारे एक्सचेंज पर आपको KYC करना पड़ता है, जो कि कुकॉइन पर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लोगे तो ट्रेडिंग बोर्ड का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको यहां पर क्लिक करना है। और इससे पिछले वीडियो पे मैंने स्पॉट ग्रिड के बारे में आपको बताया है, तो उस वीडियो को भी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली बोट में आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें स्पॉट ग्रिड के बारे में मैंने आपको बताया। अब फ्यूचर ग्रिड के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, और फ्यूचर ग्रिड के बारे में अगर हम यहाँ पर समझें तो बेसिकली आप इसमें बाय सेल दोनों कर सकते हो। मतलब अगर आपको लगता है कि किसी कॉइन का प्राइस अप जा सकता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि किसी कॉइन का प्राइस सेल जा सकता है मतलब डाउन जा सकता है, तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली कुकॉइन की फ्यूचर ग्रिड काफ़ी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिक्विडेट होने का चांसेस काफ़ी कम होता है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो जब आप फ्यूचर ग्रिड्स को आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, या फिर बहुत सारे आपको ट्रेडर्स देखने को मिलेंगे जिसने अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पर बना रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी ईमेल आईडी थोड़ी सी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, और यहाँ पर वो किस तरह से ट्रेड ले रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। पहला अगर आप देखो तो उसकी API रहे 23,319% का ये यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा है। 17 days 5 hours से ये यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, और इसे चाहो तो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। सिंपल इसमें आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगी। हालांकि किसी भी ट्रेडर्स को कॉपी करना सही नहीं है, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल इसमें आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऑटो कस्टोमाइज 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली ऑटो पे अगर हम समझें तो ये कुकॉइन के जो बोट है इसकी डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है, जहाँ पर जो हाई होती है, जो बाई होती है, जो मिनिमम रेंज होता है वो ये खुद ऑटोमेटिक सेट कर देता है। बट आपको यहाँ पर कस्टोमाइज सेंड करना है, और खुद से यहाँ पर जो भी प्रोसेस है वो आपको खुद से यहाँ पर करनी है। तो कस्टोमाइज पे आने के बाद आपको एक कॉइन चूज करने का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप अपने कोई भी कॉइन को चूज कर सकते हो, जहाँ पर मैंने सेंड को यहाँ पर चूज किया है। ठीक इसके नीचे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मार्केट के बिहेव को या फिर आप उस टेक्निकल एनालाइज के थ्रू आप यहां पर समझ सकते हो। आप चाहो तो इसके लिए थोड़ा सा बेक आ जाना है, और बेक आने के बाद आप यहां पर इसके चार्ट को रीड कर सकते हो, जो कि अगर आप यहां पर देखो तो सेंड देख सकते हो, डाउन ट्रेड पे हमें देखने को मिल रही है। और मे बी कि अगर BTC यहां से डाउन जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो सेंड का भी प्राइस आपको डाउन देखने को मिल सकता है। इसके सपोर्ट लेवल के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। जो इसका सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि बनती है $1 से। तो आप ऐसा ट्रेड कर सकते हो कि $1 से लेकर अब तक में आप इसे यहाँ पर चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। तो जो इसकी सपोर्ट जोन है वो $1 से है, तो अगर आपको लॉन्ग करना है तो $1 में आती है, तो यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन ओपन कर सकते हो। फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेड में दिख रही है, तो जो इसका रेसिस्टेंस बनता है वह है $1.36 पे। तो आप इस तरह से सेट कर सकते हो कि 1.36 से लेकर अभी तक में ये यहाँ पर सेल की ही पोजिशन ओपन करें।
तो मार्केट के बिहेव या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हो कि आपको यहाँ पर क्या स्टेप लेनी है। अब यहाँ पर आपको हाई, लो एंड हाई का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो अगर मुझे यहाँ पर शॉर्ट करनी है तो 1.25 में यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, और हाई जो है वो 1.36 यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। मतलब इस एरिया से लेकर इस एरिया तक ये सिर्फ शॉर्ट यहाँ पर ओपन करेगी। इसके बाद ये दोनों एरिया में अगर आप देखोगे तो 2 से 14 ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैं 10 ट्रेड यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अब पर ट्रेड में आप यहाँ पे देखोगे तो 0.47 से लेकर 0.50% तक ये यहाँ पर प्रॉफिट बनाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर $50 है, मैं $60 यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो $60 मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर सारा चीज़ देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, लेवरेज। तो लेवरेज को बड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर सेट करना है। अगर आप यहाँ पर न्यू कमर्स हो, बिगिनर्स हो, कभी आपने फ्यूचर ट्रेड नहीं किया है, कभी इसके रिस्क को आप नहीं समझे हो, तो यहाँ पर आप 2x 3x तक का ही आपको लेवरेज लेना है। मैक्सिमम आप यहां पर 10x तक का लेवरेज ले सकते हो, बट वो उसके लिए होती है जो यहां पर अच्छा प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो यहां पर एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। तो अगर आप न्यू कमर्स हो तो हमेशा 2x 3x तक ही आपको लेवरेज यहां पर लेना है। और अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो कोशिश करना है कि $60-100 जैसा कि मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, तो $60-100 से ही आप यहाँ पर ट्राई करो। तो यहाँ पर मैंने सारा चीज़ सेट कर दिया है। अब आप देख सकते हो लिक्विडेशन प्राइस तो हो रही है $2.092 की, मतलब काफ़ी बड़ा प्राइस है। यहाँ तक आपकी सेंड की कॉल वहाँ तक जाएगी तो आप यहाँ पर लिक्विडेट हो जाओगे। तो फिलहाल ऐसी मार्केट में कोई हाई बेसिक क्रिएट देखने को नहीं मिल रही है कि सेंड का प्राइस इतना तक यहाँ पर पंप करेगा। इसके बाद आप देख सकते हो एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक करके आप स्टॉप प्राइस, टेक प्रॉफिट यहां पर डाल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी लिक्विडेशन प्राइस $2.092 है, लेकिन आपको करना है कि नहीं, इसकी प्राइस $1.5 जाएगी तो मेरा ट्रेड यहां पर क्लोज हो जाए कुछ लॉसेस के साथ। तो आप स्टॉप प्राइस यहाँ पर डाल सकते हो, 1.5 में यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। इसके बाद टेक प्रॉफिट का आपको ऑप्शन है, तो टेक प्रॉफिट में आप यहां पर क्लिक करके आप अपना टेक प्रॉफिट यहां पर लगा सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि $1 इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप 1.1 का यहां पर टेक प्रॉफिट यहां पर लगा सकते हो कि यहां तक जैसे ही मार्केट आती है तो यहां पर आपका टेक प्रॉफिट यहां पर हिट हो जाए, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑप्शन दिख रहा है कि वेन द स्टॉप लॉस इज ट्रिगर्ड द मैक्सिमम लॉस यू मे वेयर इज 22%। तो मतलब 1.5% अगर टच होती है तो आप यहाँ पर 22% का नुकसान करोगे। टेक प्रॉफिट भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्रिएट शॉर्ट का जो ऑप्शन है, सिंपल इसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ रिस्क एंड वार्निंग होगी, तो इसे आप चाहो तो व्यू डिटेल्स में चेक कर सकते हो, हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बता दिया है। अब ओके के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा, जो आपने ट्रेड लिया है वो सारा आपको यहाँ पर शो करेगा। कन्फर्म के इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका जो फंड है बोट में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और यहाँ पर जो आपकी ट्रेड है वो यहाँ पर लग चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड लगा सकते हो। तो ये ट्रेड हमारा यहाँ पर चल रहा है, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर शॉर्ट की है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करनी है स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को लेकर, तो सिंपल इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो पैरामीटर्स के इस ऑप्शन पर फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट में आप चाहो तो यहाँ पर कुछ एडिटिंग हो, कुछ अगर कम बेसी करना हो तो वो आप वहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर क्लोज करना है तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसे क्लोज कर सकते हो। देख सकते हो कि आपका जो फंड है वो USDT में आपका कंफर्म यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कंफर्म पर आप क्लिक करोगे आपका ट्रेड यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट में रहोगे, अगर आप लॉस पे हो तो लॉस पे आपका जो फंड है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं इस ट्रेड को 3-4 दिन तक यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंट की प्राइस और डाउन आपको देखने को मिल सकती है, और जो भी इसकी प्रॉफिट बनेगी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम को आपने ज्वाइन किया हो ताकि आप यहाँ पर लाइव देख सको कि क्या प्रॉफिट यहाँ पर बन रही है। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के कई सारे कॉल्स मैं टेलीग्राम पे भी देता हूँ। फिलहाल मार्केट की सिचुएशन कुछ खास नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा कम यहाँ पर अभी कॉल्स वगैरह आपको जा रही है। तो जो कॉल्स आती है चाहो तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। वहाँ पे बेसिकली आपको एक प्राइस दिया रहता है कि इस प्राइस से इस प्राइस तक आपको बाई करना है, तो ऐसे में आप चाहो तो वहाँ से इस प्राइस में आप बाई कर सकते हो और बोट को यहाँ पर सेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाओगे।
तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि बोट काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आप कुकॉइन के बोट को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर बना रहे हैं। थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजीज यहाँ पर लगानी है, साथ में आपको लेवरेज को मेंटेन करना है, जो इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है उसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसके थ्रू आप अच्छी प्रॉफिट बना पाओगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।